नमस्कार फर्स्ट वेयर झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सना रमान। पिछले कुछ दिनों से ही चर्चा का विषय बने आनंद मोहन की बेटे चेतन आनंद की शादी अब हो चुकी है। बता दें आपको कि शादी की पहली तस्वीर भी सामने आ गई है। आनंद मोहन की बेटे की सगाई पटना में हुई थी, लेकिन शादी जो है वो देहरादून में हुई है। पूरा परिवार पहले से ही देहरादून में मौजूद था। ऐसे में बीते दिन यानी कि 3 मई को चेतन आनंद की शादी हो गई। चेतन आनंद और उनकी पत्नी आयुषी सिंह जो है वो शादी के पवित्र बंधन में बंध चुके हैं। और जो पहली तस्वीर है चेतन आनंद की शादी की वो भी सामने आई है। आपको बता दें कि लगातार चेतन आनंद को लेकर के, उनकी शादी को लेकर के, उनकी सगाई को लेकर के बिहार में खूब चर्चाएं हो रही थी। इन तमाम चर्चाओं के बीच ये शादी संपन्न हो चुकी है और कई तरह की खूबसूरत तस्वीर जो है वो इस शादी की सामने आई है। ख़ास इंतज़ाम किए गए थे उनकी शादी में। कई बड़े दिग्गज लोग जो हैं, कई बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो भी इस शादी में मौजूद हुए थे। आपको बता दें कि ये शादी जो है वो देहरादून में हुई और धूमधाम से इनकी शादी हुई। शादी की पहली तस्वीर सामने आई है, आप देख सकते हैं, जिसमें चेतन आनंद और उनकी पत्नी आयुषी सिंह दूल्हे और दुल्हन के लिबास में दिख रहे हैं। इस मौके पर बिहार के कई बड़े राजनेता के अलावा उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत भी मौजूद रहे। दरअसल आपको बता दें कि आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद बिहार में आरजेडी के विधायक हैं। इनकी शादी की तैयारियां काफी समय पहले से चल रही थी। इस शादी में ही शामिल होने के लिए आनंद मोहन पेरोल पर जेल से बाहर आए थे। बाद में बिहार सरकार के नियम में बदलाव कर आनंद मोहन को रिहा कर दिया गया। वहीं चेतन आनंद की रिंग सेरेमनी 24 अप्रैल को पटना में की गई थी। वहीं सगाई में बिहार के सीएम नीतीश कुमार सहित कई राजनीतिक नेता भी पहुंचे थे। इसके बाद अब बीती रात इनकी शादी हो गई है। चेतन आनंद और आयुषी सिंह की शादी की कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से चेतन आनंद और आयुषी सिंह जो हैं वो शादी के बंधन में बन चुके। ये खूबसूरत तस्वीर चेतन आनंद की शादी की है। इस तस्वीर में चेतन आनंद ने अपने शादी के मौके पर क्रीम कलर की शेरवानी और दुल्हन आयुषी ने मरून रंग का लहंगा पहना है। वहीं इस मौके पर आनंद मोहन ने पिंक कलर की नेहरू जैकेट पहनी है। इस दौरान दुल्हे चेतन ने जमकर डांस भी किया। वहीं आपको बता दें कि आनंद मोहन भी अपनी बेटी की शादी में बेहद ही खुश नज़र आ रहे। इस खास मौके पर उनके परिवार के लोग मौजूद हैं। चेतन और आयुषी ने भी डांस किया और इस शादी में लगभग बताया जा रहा है कि 300 लोगों से ज़्यादा लोग मौजूद रहे। शादी के वेन्यू पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। वहीं आपको बताते चले कि आरजेडी विधायक चेतन आनंद की होने वाली पत्नी आयुषी सिंह वैशाली के राघोपुर की रहने वाली हैं। फिलहाल आयुषी का पूरा परिवार पटना में ही रहता है। इनका परिवार काफ़ी अरसे से आनंद मोहन के परिवार से जुड़ा हुआ है। वहीं बताया जाता है कि आयुषी MBBS के बाद MD कर रही वह टेनिस प्लेयर भी हैं। टेनिस की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कई अवार्ड भी अपने नाम कर चुकी हैं। वहीं अब शादी के बाद चर्चाएं ये हो रही हैं कि रिसेप्शन का जो कार्यक्रम है वो शिवहर में किया जाएगा। तो चेतन आनंद और आयुषी सिंह की शादी हो चुकी है और शादी की ये तस्वीरें देखिए, चंद एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है वो फर्स्ट वीआर आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से पूरा परिवार जो है वो खुश नज़र आ रहा है। आनंद मोहन जो कि पेरोल पर बाहर आए थे अपने बेटे की शादी के लिए, इसी बीच राज्य सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी जो है वो आनंद मोहन को दी और उनको रिहाई मिल गई। ये शादी और आनंद मोहन को रिहाई मिलना कहीं ना कहीं उनकी खुशियों में 4 चांद लगाता हुआ नज़र आता है। एक बार फिर से आप ये तमाम तस्वीरें देखें, देखें किस तरीके से आनंद मोहन और आयुषी की शादी में पूरा परिवार नाचता झूमता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहिए। धन्यवाद। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची।